आज तक पर ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर ये तमाम इलाके हैं जो पूरी तरह से आग के हवाले हो गए हैं। धुएं का गुबार जो है वो आपको नजर आ रहा है और जंग के 90 दिन की तस्वीरें जो हैं ये थोड़ी डराने वाली हैं, क्योंकि आग की लपटों में शहर दर शहर जो हैं वो गिरते जा रहे हैं। तस्वीर देखिए आप, इस पूरी इमारत को खाक कर दिया गया, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा हमला आया और उसके बाद पूरी इमारत जो है वो खाक हो गई है। कई घंटों के बाद जब यहां पर इसे देखिए, यहां पर दमकल की टीम पहुंची हुई है, कई घंटों के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है, और जब बुझाने की कोशिश कर रही है तो उन्हें भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अलग अलग शहर जो हैं, जो खूबसूरत शहर थे, वो आग की लपटों से घिर गए हैं। हालांकि पूरा शहर नहीं घिरा हुआ है, लेकिन कई ऐसी बड़ी इमारतें, बड़े प्रतिष्ठान जो हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है। और ये देखिए अविशंबर दयाल सर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई घंटों के बाद भी यहाँ पर धुआं, आग की लपटे वैसे ही हैं। देखिए बिल्कुल ये तस्वीर तो है, तबाही है। जैसे मैं मानता हूँ कि मैं भी कल से एक बात कही जा रहा हूँ, युद्ध है, युद्ध में तबाही होगी और युद्ध में बिल्डिंग्स पर फायर होगा, क्योंकि ये तो है ही अर्बन वॉरफेयर। क्योंकि ये लोग गाँव में तो बहुत कम लोग रहते हैं ना, इनकी पॉपुलेशन पूरी सेंटर जो है वो जो है अर्बन सेंट्रिक है, मतलब कि इनके लोग ज्यादा शहरों में रहते हैं, गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, बड़े बड़े शहर हैं। अब इनमें डिफेंडर जो है वो जहां पे भी, कल ये तो बात कल प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद टेलीविजन चैनल पर बोली है कि जहां पे उनकी सेनाएं ने अपनी एंटी टैंक वेपन्स लगाए हैं, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स लगाए हैं, जो इन्होंने अपने आप को ढाल की तरह बनाए हैं, अपने जो इनके ये मिलिशिया है या जो रेगुलर फोर्सेस डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन बनाई हैं, उनको तो हम बर्बाद करेंगे, नहीं तो वो हमें बर्बाद करेंगे। तो ये वो फोर्टिफिकेशन हैं, वो बिल्डिंग्स हैं जिनमें अंदेशा है कि जो यूक्रेनियन फोर्सेज है। यहाँ पर अस्पताल को निशाना बनाया, देखिए ये अस्पताल नहीं लग रहा है, ये कल से मैं पिक्चर देखे जा रहा हूँ, कोई इतना तैयार था पिक्चर खींचने के लिए कि उसको बिल्कुल लगते देख ले। कुछ पिक्चरें इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर्स के जरिए, ये सब उसका कमाल है। वो बिल्डिंग जरूर मैं मानता हूँ बिल्कुल ऑपरेशनल बिल्डिंग है, वो लग रही है जैसे गिरी है, वहां कोई SS-30 या SS-26 कोई भारी मिसाइल आके लगी है दूर से, लेकिन जो ये है ये तो एक किसी उससे तैयार है। और एक मैं नहीं समझता अस्पताल पर रशिया जानबूझकर फायर करेगा, अगर कोई स्कूल ऐसी जगह है जहां बच्चे हैं उन पर जानबूझकर, यूनिवर्सिटी का भी मैंने चेक किया है कि भाई यूनिवर्सिटी पे क्या फायर हुआ, यूनिवर्सिटी पे खार्किव की यूनिवर्सिटी पर फायर नहीं किया उन्होंने। ऐसी चीजें जो है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है, ये कंप्लीटली वेस्टर्न मीडिया का है और इसमें कंप्लीट वो है। मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, देखिए जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे वो अपने आप को अगर आज भी इस लड़ाई से निकाल ले तो वो एक यूक्रेनियन के एक प्रतिष्ठित वो बन गए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इस पर चर्चा करने के लिए एक बार ये वीडियो दिखाते दर्शकों को। ये वीडियोस हैं, देखो टैंकों पे जो फायर था, जन कादान भी एग्री करेंगे, एक टैंक पे फायर होने के बाद ना वो वीडियो है, टैंक भागेंगे, एक टैंक पे फायर होने के बाद दूसरे टैंक मूविंग होंगे, वहां खड़े थोड़ी रह जाएंगे, वो तो बिल्कुल खड़े हैं, आग लगने दो, जलने दो।